आज दशहरा है और आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाया जाता है। आज भी हर साल रावण को जलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि रावण के जलने के साथ समाज से बुराइयों का नाश होता है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि लंकापति रावण एक महान योद्धा था, प्रख्यात पंडित तो वो था ही और इसी के साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी भी था। बता दें आपको, रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे और शायद आपको रावण के जन्म के इन सच के बारे में पता भी नहीं होगा। आज दशहरे के उपलक्ष में हम आपको रावण के जीवन के सच से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बता दें आपको, रावण का पहला रहस्य ये है कि रावण के पिता एक ऋषि थे और उनकी माता एक राक्षसी थी। जन्म के समय ही रावण इतना भयानक था कि पहली बार देखने पर इनके पिता खुद भयभीत हो गए थे। वाल्मीकि रामायण की माने तो रावण के रथ में अश्व नहीं बल्कि गधे जुटे हुए रहते थे। रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद यमलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था और नरक भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। बता दें आपको, देवताओं के खंजाची भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को भगाकर लंका पर अपना अधिकार जमा लिया था और उनका पुष्पक विमान भी उनसे छीन लिया था। रावण ज्योतिष का प्रकंड विद्वान माना जाता है और अपने पुत्र को अजय बनाने के लिए इसने नवग्रहों को आदेश दिया था कि वो उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठे। शनि महाराज ने उनकी ये बात नहीं मानी तो रावण ने उन्हें बंदी बना लिया था। रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1,00,000 से अधिक अशोक के पेड़ के अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यही नहीं, यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण को रंभा नाम की अप्सरा से एक श्राप मिला हुआ था कि वो किसी भी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना अगर संबंध बनाता है तो रावण के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए रावण ने कभी सीता के साथ बल का प्रयोग नहीं किया। रावण की नाभि में अमृत था, इसी कारण से रावण का एक सिर कटने के बाद फिर से दूसरा सिर आ जाता था और वो खुद ब खुद जीवित हो जाता था। तो ये थे रावण के सच, जीवन के सच उसके, जिससे शायद आप रूबरू नहीं थे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती रिपोर्ट।